वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज़ यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द करंट अफेयर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम जून 2024 टिल 10th ऑफ अक्टूबर 2024। एंड उसका जो प्रीवियस करंट अफेयर्स का पार्ट था वो आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी 2024 टिल मे 2024। एंड सोर्सेज क्या रहेंगे? सोर्सेज आर मेजरली JK Today वेबसाइट, ठीक है, ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम दिस वेबसाइट हैव बीन कवर्ड, प्लस वी विल ऑल्सो कवर विजन IAS अपडेटेड PTs, दैट इज जनवरी टू मई जो भी करंट अफेयर्स में कवर किया गया है दैट वी विल कवर थरली। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट सारा। सारा क्या है? ये WHO का एक स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ है, ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। सारा WHO फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप, बस इतना ही। नाइजीरिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू लॉन्च मेनिनजाइटिस वैक्सीन, MEN-5CV, ठीक है, बस याद रखना है मेनिनजाइटिस की वैक्सीन है, नाइजीरिया हैज़ लॉन्च दिस, M के साथ N याद रखना, ठीक है। मेनिनजाइटिस की जो ये वैक्सीन है नाइजीरिया ने बनाई है। आगे हम देखेंगे कि मलेरिया की वैक्सीन डेवलप की है किसी और कंट्री ने, ठीक है, बट वो M से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ME याद रख लो, मेन, ठीक है, तो मेनिनजाइटिस की नाइजीरिया। देन चाइना हैज़ लॉन्च्ड शिनजो 18 स्पेसक्राफ्ट, जिसको डिवाइन वेसल बोलते हैं, तो शिनजो चाइना का है स्पेसक्राफ्ट है, डिवाइन वेसल बोलते हैं इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक हाला पॉइंट टर्म न्यूज़ में थी, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम है टू एनेबल सस्टेनेबल AI, तो AI के रिलेटेड है। देखो न्यूरोमॉर्फिक है ना, तो आर्टिफिशियल उसको मॉर्फ किया है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, तो वो AI ही होता है। तो हाला पॉइंट अगर कहते हैं ये AI से रिलेटेड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम इंटेल ने ये बिल्ड किया है। इसराइल का C-DOM डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जैसे ऑरियन डोम था वैसे एक C-DOM भी है। Bandwagon 1, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये SpaceX का प्रोजेक्ट है, ये एक फर्स्ट राइड शेयर मिशन है स्पेस में, ठीक है, तो Bandwagon फर्स्ट। देन नासा का एक स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट नासा ने लॉन्च की है अभी, ठीक है, तो उस मिशन का नाम क्या है? प्री फायर, बस पता होना चाहिए प्री फायर क्या है। नासा का एक मिशन है जिसमें वो स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर रेडियंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। सो ये स्टडी करेगा द हीट एमिशन एट द अर्थ पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इसरो सक्सेसफुली टेस्ट दिस AMPS-4 इंजन, ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इन्होंने किया है। सो इम्पॉर्टेंट है AMPS-4 इंजन अगर पूछा जाए, एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, इसरो का है, ठीक है। देन कैंसरी ई, ये क्या है? ये एक रॉकी प्लैनेट है विद एटमॉस्फेयर, तो एक प्लैनेट का नाम है जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। देन नासा और जाक्सा का, जाक्सा जापान का है और ये US का है, इन्होंने मिलके इनका एक मिशन है स्पेस मिशन, एक्सरिज्म मिशन, तो एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, ठीक है, तो एक्सरे को यूज़ करके स्पेस को अपना जैसे भी इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। देन नासा का मिशन है फ्लोट, वॉट इज़ दिस फ्लोट? ये एक फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो मून पे बनाया जाएगा बाय नासा, तो फ्लोट याद रखना है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मून पे फ्लोट करेगा, ऑलराइट। देन पाकिस्तान, इसमें देखो मेनली आपको फैक्ट्स ही मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं थ्योरी पार्ट मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि वो हम लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट रहता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहता है वो भी साथ साथ में कवर कर रही हूँ, एंड प्रिलिम्स के लिए मेजरली जो है वो इस तरह के फैक्ट्स ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। पाकिस्तान का फतेह सेकेंड करके एक इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, अगर पूछा जाए फतेह क्या है, किसकी है, पाकिस्तान का है, रॉकेट सिस्टम है, एक सैटेलाइट नहीं है, रॉकेट है, ठीक है। देन एक एक्सोप्लैनेट, सुपर फ्लफी एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है WASP-193b, तो वास्प करके कुछ अगर आता है तो एक्सोप्लैनेट होगा, ये 50% लार्जर है देन जुपिटर, लेकिन उसका वेट जो है वो 1/6 ऑफ जुपिटर है। देन अर्थ केयर एक प्रोजेक्ट है,
एक सैटेलाइट है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान स्पेस एजेंसी की, अर्थ केयर, अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर सैटेलाइट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अर्थ में जो कितने क्लाउड एरोसोल्स हैं, रेडिएशन है, वो सब कुछ स्टडी करेगा ये। तो अर्थ केयर में एक तो अर्थ है, ई से, ई एस से आ जाएगा, और इसकी केयर करने के लिए साथ में जापान भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो का एक प्रोजेक्ट है, इसरो का प्रवाह करके एक चीज़ है, क्या है ये, पैरेलल रैंड सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मो डायनामिक एनालिसिस। तो प्रवाह इसरो का एक इनिशिएटिव है, इट हैज़ डेवलप्ड द कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक सॉफ्टवेयर है, इट वॉज डेवलप्ड एट इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन त्रिवेंद्रम केरल। इसका काम क्या होगा, देखो जो भी स्क्रैमजेट व्हीकल्स होते हैं उसमें जब अर्थ में वो री एंटर करते हैं, ठीक है, कंबशन प्रोसेस होता है, उसमें जो भी एयर डिसोसिएशन का प्रोसेस रहता है उसको स्टडी करने के लिए ये चीज़ बनाई है, ठीक है। इट विल सिमुलेट द एयर फ्लो फॉर परफेक्ट गैस एंड रियल गैस कंडीशंस, ठीक है। तो वैसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट, चाइना का ओरियन स्पेस जो कंपनी है उसका एक मिशन है ग्रेविटी वन, ठीक है, स्पेस मिशन है ग्रेविटी वन चाइना का है। देन इसरो का एक्सपोसैट मिशन है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ये इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड पोलैरीमीटर मिशन है ऑन बोर्ड द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C58 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये लॉन्च किया जाएगा इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, या कर दिया गया है, ठीक है। तो एक्सपोसैट जो है वो इसरो का है, एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। नेक्स्ट है स्पेस एक्स का एक मिशन है स्टारलिंक, ठीक है, स्पेस एक्स जो US की कंपनी है, स्टारलिंक उसका मिशन है। इसमें स्टारलिंक में वो क्या करते हैं, ग्लोबली सैटेलाइट्स की हेल्प से इंटरनेट प्रोवाइड करना है, स्पेशली रूरल एरियाज में या जो फार ऑफ एरियाज है वहाँ पे, ठीक है। उसी के अंदर एक डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं, बस याद रखना है ये किसके रिलेटेड है, US का जो स्पेस एक्स है उसने किया है। देन जापान का एक HIIA रॉकेट न्यूज़ में था, ठीक है। देन चाइना की आइंस्टाइन प्रोब है, बस इतना याद रखना है ये किसकी है, चाइना की है आइंस्टाइन प्रोब। नेक्स्ट इज एक्सियम मिशन 3, तो एक्सियम मिशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, सो ये रिपीट हो रहे हैं, एक्सियम मिशन है, ठीक है, जो स्पेस एक्स है उसी का है ये। एंड इसमें टर्की के जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे एल्पर, उनको कैरी किया गया था वहाँ पे स्पेस में। नाउ ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उनकी सोरैया सेटेलाइट, तो सोरैया सेटेलाइट किसकी है, ईरान के IRGC की। देन ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसने लॉन्च किया है गोरागा, जो कि इंडिया की फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वेरिएबल है। तो स्ट्रेस को, एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये एक एंटी स्ट्रेस वेरिएबल बनाया है, इंडिया का फर्स्ट ये गोरागा बनाया गया है ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजीज ने, ठीक है। एंड ये आई थिंक एक पुणे बेस्ड कंपनी है, ये आप एक बार कन्फर्म कर लेना। नेक्स्ट इज कैमरून फर्स्ट कंट्री बन गई है टू रोल आउट मलेरिया वैक्सीन, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मेनिनजाइटिस के लिए नाइजीरिया, एंड ये जो मलेरिया वैक्सीन डेवलप की है ये अभी कैमरून ने की है, ठीक है, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मलेरिया वैक्सीन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रोल आउट किया है। करंटली 2 मलेरिया वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक तो RTS AS01 वैक्सीन है, ठीक है, एंड एक R21 जिसको मैट्रिक्स MTM वैक्सीन कहते हैं, ये दो वैक्सीन है मलेरिया के लिए अभी। तो याद रखना है अगर ये पूछा जाए AS01 या RTS, ये वैक्सीन मलेरिया के लिए हैं। नेक्स्ट इज CSIR जो है हमारी, उनका नेशनल एरोस्पेस लेबॉरेटरीज है, इन्होंने टेस्ट किया है एक अनमैन्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इन कर्नाटका, अनमैन्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इन कर्नाटका, किसका है, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबॉरेटरीज। देन अलास्का पॉक्स एक डिजीज़ न्यूज़ में थी, तो जैसे चिकन पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है, उसी जीनस का एक पार्ट है ये, एंड ये अलास्का में हुआ था तो अलास्का पॉक्स का नाम रख दिया था, ठीक है। सो एक DNA वायरस है ये भी, ठीक है, एक RNA वायरस होता है जैसे DNA वायरस होता है, दिस इज़ अ DNA वायरस, एंड फर्स्टली ये डिटेक्ट हुआ था अलास्कन बोर्ड्स इन 2015 में। ये एक जूनोटिक पैथोजन है, ठीक है, मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन स्प्रेड कर जाता है, एंड इट इन्फेक्ट्स स्मॉल मैमल्स लाइक रोडेंट्स, ठीक है, तो रोडेंट्स वगैरह इनको ये करता है इन्फेक्ट, एंड ह्यूमन्स को भी ट्रांसमिट हो जाता है।
रिजेंबल करते हैं सिम्टम्स मंकी पॉक्स की तरह ही, जैसे स्किन में लेजन्स हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है, बट माइल्डर इंटेंसिटी में होते हैं। ठीक है, देखो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन केस के अभी तक एविडेंस नहीं मिले हैं। सो आपने देखा रोडेंट्स को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाती है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन जो है अभी जाने के ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं। देन हमने देखा कि मंकी पॉक्स की तरह सिम्टम्स होते हैं, और टिक्स वगैरह के थ्रू जो है, या इन्फेक्टेड एनिमल्स के पास अगर एक्सपोजर हो, उनके साथ एक्सपोजर हो अगर, तो ये स्प्रेड कर जाता है। सो दिस वॉज अबाउट अलास्का पॉक्स। नेक्स्ट इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलेटर है। ठीक है, पार्टिकल एक्सेलेटर की वर्ड है यहाँ पे। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, दैट इज सर्न, में ये लोकेटेड है नियर जेनीवा स्विट्जरलैंड। सो ये साइंटिस्ट जो हैं दे नाउ वॉन्ट टू पुश अहेड विद द, मतलब इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का, जिसको कहा गया है फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। तो अगर ये पूछा जाता है कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर किसका है, किसके लिए है, पार्टिकल एक्सेलेटर के लिए है, ठीक है, बस उसी प्रोजेक्ट की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को एक्सपैंड किया जा रहा है। तो इसका जो 91 किलोमीटर का रिंग होगा, ओवर 3 टाइम्स द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग कोलाइडर। अब ये पार्टिकल एक्सेलेटर क्या सब है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं हम जाएंगे, बस इतना सा पढ़ेंगे कि एक सर्कुलर टनल है जो कि बहुत, मतलब अंडरग्राउंड इसको बरी किया गया है स्विस और फ्रेंच बॉर्डर्स पे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को टुगेदर स्मैश किया जाता है एट द स्पीड ऑफ लाइट, ताकि जो बिग बैंग के नेक्स्ट सेकेंड जो कंडीशंस हुई थी उनको रिक्रिएट करना है। ठीक है, कि बिग बैंग होने के बाद जब इतने सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड किए आपस में, उसके बाद क्या सिचुएशन थी उसको स्टडी करने के लिए, वैसी कंडीशंस रिक्रिएट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वायरसेस एंड वायरॉइड्स। सो ये एक न्यू काइंड ऑफ वायरस हैं ऑबेलिस्क, जो कि भी न्यूज़ में थे। सो दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वायरसेस एंड वायरॉइड्स, जो कि अदर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं। फर्स्टली वायरसेस क्या हैं, वायरसेस आरएनए वायरस भी हो सकता है एंड डीएनए वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़, आरएनए डीएनए दोनों टाइप के वायरस हो सकते हैं। दे के नॉट रेप्लीकेट विदाउट अ होस्ट, इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, इनको एक होस्ट चाहिए, वहीं पे ये ज़िंदा रह सकते हैं एंड वहाँ पे रेप्लीकेट करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन ऑन द अदर हैंड जो वायरॉइड है, दीज आर टाइनी स्क्रैप्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल बट दे के नॉट मेक प्रोटीन्स। ठीक है, वायरस प्रोटीन बना सकता है, वायरॉइड प्रोटीन नहीं बना सकता, एंड इनकी बाहर एक प्रोटेक्टिव शेल भी नहीं होती है, अपने जीनो, इनका जेनेटिक मटेरियल है बट बाहर ये वाली शेल मिसिंग होती है, जो जीनोम को एक तरह का कवर करके रखेगी। देन दिस न्यूली डिस्कवर्ड ऑबेलिस्क्स, दे फॉल बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है इसमें। ठीक है, इसमें ओनली आरएनए जीनोम होता है, डीएनए जीनोम नहीं होता, जैसे कि वायरस में जो होता है। इसकी बाहर कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, ठीक है, लाइक वायरॉइड। दीज हैव बिन फाउंड इन ह्यूमन गट एंड माउथ। लाइक वायरसेस दे कंटेन जीन्स जो कि प्रोटीन बना सकती है। ठीक है, तो जैसे वायरॉइड्स है वो जीन प्रोटीन नहीं बना सकती, बट ऑबेलिस्क कैन फॉर्म प्रोटीन। एंड सो फार ये ऑबेलिस्क जो है, इनको कहा जाता है कि एक मेजर प्रोटीन इनकोड करते हैं नॉन एज ऑब्यूलिन। तो ऑब्यूलिन याद रखना है, ऑबेलिस्क ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, एंड कुछ जो है वो स्मॉलर ऑबिलिन भी बनाते हैं। इन ऑबिलिन का फंक्शन क्या है वो अभी भी अननोन है। ठीक है, दे बी आर नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिक रिसेम्बलेंस टू एनी अदर प्रोटीन येट। सो ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, नासा का एक मिशन है, टेस्ट मिशन, ये क्या है, प्लैनेट हंटिंग ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सेटेलाइट। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सो प्लैनेट्स को हंट करेगा, ढूंढेगा। टेस्ट मिशन नासा, एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए एक सेटेलाइट मिशन है ये। फिर नासा का एक मार्स के लिए रोबोट हेलीकॉप्टर है, इनजेन्युइटी। सो इनजेन्युइटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है मार्स के लिए, मार्स को स्टडी करने के लिए नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन रैन क्या होता है। ओपन आरएएन नेटवर्क जो है, इट डिसइंटीग्रेट्स द कन्वेंशनल बेस स्टेशन आर्किटेक्चर। देखो जो नॉर्मल
ट्रेडिशनल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर एंड टू एंड प्रोप्राइटरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है फ्रॉम सिंगल प्रोवाइडर। एक ही बंदे से हमने सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिया होता है, ठीक है। बट ओपन आरए नेटवर्क क्या होता है, इसमें आप जो कन्वेंशनल बेस स्ट्रक्चर, बेस स्टेशन आर्किटेक्चर होता है, उसको आप इंटरऑपरेबल कॉम्पोनेंट्स में, मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स में जो है वो तोड़ सकते हो। जैसे आपने रेडियो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर सब डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से ले लिया, उससे एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। आप सिंगल एक एंटिटी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो चीज़ों के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर अलग जगह से ले सकते हो, हार्डवेयर अलग जगह से, आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, देन आप डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा, इनोवेशन आएगी, बिकॉज अलग अलग जो स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन है जिन जिन कंपनीज को, आप वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से। सो अगर हम इन शॉर्ट समझे इसको, ट्रेडिशनल नेटवर्क्स जो थे वहाँ पे आपको सिंगल प्रोवाइडर से सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था, बट ओपन आरए नेटवर्क में आप ये डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से ले सकते हो। तो यहाँ पे मिक्स एंड मैचिंग कर सकते हो कंपोनेंट्स की फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स, इजी इंटीग्रेशन होगा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का एंड लोकलाइज सॉल्यूशंस का, एंड फास्टर रोल आउट ऑफ नेटवर्क्स होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं व्हाट इज़ दिस टर्म CRAB क्रैब, तो ये एक कार्बापेनम रेजिस्टेंट एसाइनेटो वैक्टर बॉमनी, आप देख लो ये बहुत बड़ा नाम है इसका, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है। तो ये जो क्रैब बैक्टीरिया है, ये अभी AMR डेवलप कर चुका है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है, ये भी मल्टीपल ड्रग्स जो करंटली अवेलेबल है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे शो कर रहा है, सो ये एक ग्राम नेगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करता है ये बैक्टीरिया, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन लेयर होती है जिसको बोलते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ आर्मर, स्टॉपिंग द एंटीबायोटिक्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। तो इसीलिए इसने AMR डेवलप कर लिया है, ठीक है। अब एक एंटी, एक ड्रग है जो कि इस रेजिस्टेंट क्रैब बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव शो हुआ है, उसका नाम क्या है, ज़ोसुरा बालपिन, ठीक है। तो अगर क्रैब का हम देखा जाए ड्रग क्या है इस टाइम, तो ज़ोसुरा बालपिन, इससे इसको ट्रीट किया जा सकता है, बैक्टीरिया को टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक नासा का मिशन है, क्या है ये, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, ठीक है। सो इट हैज़ पोटेंशियली हाफ द ट्रेवल टाइम्स टू मार्स, सो मार्स के लिए मिशन है, ठीक है, मार्स के तक पहुंचने के लिए इसने ट्रैवल टाइम हाफ कर दिया है। सो ये जो इंजन है, ये फ्यूल को एक्सप्लोसिव बर्स्ट में यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस कंबशन। नॉर्मली क्या होता है, आपका इंजन जो है वो कंटिन्यूसली फ्यूल को यूज़ करता है, बट यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव बर्स्ट की तरह यूज़ करते हैं, बीच बीच में एक्सप्लोजन की तरह यूज़ करेंगे ताकि एफिशिएंट थ्रस्ट उसको मिल पाए, ठीक है। तो इसलिए ट्रैवल टाइम कम हुआ है, नासा का मार्स मिशन रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉसिल्स मिले हैं जायंट टेरर बीस्ट वॉर्म्स के, ठीक है। तो ये टेरर बीस्ट क्या है, एक तरह का वॉर्म है जिसके फॉसिल्स अनअर्थ किए गए हैं, दैट्स इट। देन IIT बॉम्बे ने एक टूल डेवलप किया है, GOIDN, ठीक है। ये प्लास्टिक के जो वेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर्स को रिसाइकिल कर सकता है थ्रू मेल्ट मिक्सिंग। दिस इंडिजीनियस सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर कैन मैन्युफैक्चर कॉम्पोजिट्स फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक वेस्ट, जिसको आप बाद में पैवर ब्लॉक्स, टाइल्स, इससे ये सब बना सकते हो। सो GOIDN, अगर पूछा जाए क्या है ये, सो ये एक टूल है, टेक्नोलॉजी है जो कि प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर्स को रिसाइकिल करके कुछ टाइल्स वगैरह ये सब बना सकते हैं। IIT बॉम्बे ने ये टूल डेवलप किया है। नेक्स्ट इज एक ही स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिसको अभी इंडिया ने फॉर्मली साइन अप कर दिया इसको ज्वाइन करने के लिए। सो दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्पैनिंग ओवर अ स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए नाम में ही है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। सो दिस इज़ अ मल्टी नेशनल इनिशिएटिव, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। इट इज़ नॉट अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट बट अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलीस्कोप एंटेनास एट साइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इंटरकनेक्ट करेगा एज अ सिंगल जायंट टेलीस्कोप अरे, एंड इससे जो है आप सेलेस्टियल फिनोमिना को अच्छे से प्रोब कर सकते हो, एडवांसिंग कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग। ये आप स्काओ ऑब्जर्वेटरी की वेबसाइट पे देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, बहुत सारी हैं, जैसे चाइना है, कनाडा है, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन, पोर्टुगल, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, UK, तो ये सब है यहाँ पे, अब इंडिया भी है।
ओके नेक्स्ट इज जायंट माइक्रो, मतलब इंडिया वहाँ पे जैसे जुड़ गया है एज अ मेंबर, उसने साइन अप कर लिया है इसके लिए, सो उससे क्या बेनिफिट होगा? वहाँ पे इंडिया की जो एक्सपर्टीज है इन रनिंग जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड टेलीस्कोप है नियर पुणे, सो ये वाला एक्सपीरियंस इंडिया वहाँ पे यूटिलाइज अपना कर सकता है, ठीक है? ये एक्सपर्टीज इंडिया की यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट इज एक जो एपोफिस एस्ट्रॉयड हमने पढ़ा था, जिसके लिए रामसेस मिशन भी था, ठीक है? रामसेस मिशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. इंडिया एंड कौन था साथ में, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था और किसी ने आंसर नहीं किया था, तो ये चीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. एंड एपोफिस को ही गॉड ऑफ क्योस जो है ये एस्ट्रॉयड को निकनेम दिया गया है. ओके देन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. अच्छा ये मैं बता ही देती हूँ, रामसेस में मतलब मेन प्रोजेक्ट जो है ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एंड इंडिया भी इसके साथ कलेबरेट करेगा, ठीक है? द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टेटमेंट्स बाय इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय स्पेस स्टेशन, जो हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है उसका फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा बाय 2028, ठीक है? और इसलिए 400 किलोमीटर के जो है हाइट पे किया जाएगा, एल्टीट्यूड पे किया जाएगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है? और दिस इज़ लाइकली टू बी अ 8-ton मॉड्यूल लॉन्च्ड यूजिंग इंडियाज LVM3 रॉकेट, ठीक है? और इसमें बाकी जो एडिशनल मॉड्यूल्स हैं वो ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स लॉन्च किए जाएंगे, एंड बाई 2035 इसरो क्लेम करते हैं कि वो अपना एक फुली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेंगे बाई 2035. देन वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन फॉर मेलेनोमा, ये अभी इसके ट्रायल्स हो रहे हैं, ठीक है? सो वर्ल्ड की फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन है फॉर मेलेनोमा. मेलेनोमा जो है एक स्किन कैंसर की डेडलीस्ट फॉर्म होती है, जैसे मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से स्किन में जो है वो डार्कनेस आती है, ठीक है? सो डार्क स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और मेलेनोमा जो है एक स्किन कैंसर की तरह है, ठीक है? तो मेलानिन और मेलेनोमा वैसे आप याद कर सकते हैं. और इसमें ठीक है, यूके में इस मेडिसिन का जो है ट्रायल चल रहा है. देन सुनीता विलियम्स सेट टू पायलट बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है? तो बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, सुनीता विलियम्स इनको पायलट करेंगे, ये न्यूज़ थी. माइक्रोसॉफ्ट इनका 5.3 मिनी एक स्मॉलेस्ट मॉडल है इन इट्स न्यू 5.3 फैमिली ऑफ ओपन AI मॉडल्स. तो यार अपने 5 करके जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के ओपन AI मॉडल्स हैं, तो उसमें 5.3 अभी 5.3 मिनी इन्होंने लॉन्च किया था. देन नासा हैज़ लॉन्च एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम ACS3, एडवांस्ड कॉम्पोजिट सोलर सेल सिस्टम, मार्किंग एन इंपॉर्टेंट मोमेंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर पावर फॉर स्पेस प्रोपल्शन. सोलर पावर को यूज़ करना है फॉर स्पेस प्रोपल्शन, उसके लिए ये मिशन है ACS3, नासा का मिशन है. देन वासा वन क्या है, ये एक AI मॉडल है जो कि इमेज टू वीडियो जनरेट करता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे चैट बॉक्स है, जेमिनी है, तो बस वैसे ही हमने पढ़ लिया कि वासा माइक्रोसॉफ्ट का है. देन गाया BH3, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द मोस्ट मैसिव स्टेलर ब्लैक होल इन मिल्की वे डिस्कवर्ड. तो ब्लैक होल में ये एक बहुत मैसिव ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी में जो है डिस्कवर हुआ है, गाया BH3. द नेक्स्ट, हबल टेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे. वॉट इज़ दिस हबल टेंशन? सो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन रेट है उसमें मेजरमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ठीक है? कुछ डेटा बता रहे हैं कि इस रेट से एक्सपैंड हो रहा है, कहीं में कुछ और बता रहे हैं, तो वो डिस्क्रिपेंसी को कहा जा रहा है हबल टेंशन. हबल कॉन्स्टेंट होता है एक H0, तो इससे हम डिनोट करते हैं कि कितना करंट एक्सपेंशन रेट है यूनिवर्स का. एडविन हबल के नाम पे इसको रखा गया था, जिन्होंने पहली बार रिलेशनशिप बताया था बिटवीन अ गैलेक्सीज डिस्टेंस एंड उसकी जो वेलोसिटी है, उस हिसाब से कि कितनी फास्ट वेलोसिटी से वो आपस में मतलब फैल रहा है यूनिवर्स, ठीक है, एक्सपैंड हो रहा है. देन हबल कॉन्स्टेंट इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, विच रिप्रेजेंट्स द स्पीड एट विच गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर ओवर अ गिवन डिस्टेंस. सो दिस वॉज हबल टेंशन एंड हबल कॉन्स्टेंट. अब दो प्राइमरी अप्रोचेस होती हैं टू डिटर्मिन हबल कांस्टेंट H0. एक होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेथड, एक होता है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर मेथड. जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेथड है इसमें
हम जो ओल्डेस्ट लाइट आ रही होती है ना यूनिवर्स से, उसको ऑब्जर्व करके हम देखते हैं कि कितना टाइम हो गया यूनिवर्स को एक्सपैंड करते, ठीक है, कितना किस रेट पे एक्सपैंड हो रहा है। एंड जो कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर है वो मेजर करता है डिस्टेंस टू नियर बाई गैलेक्सीज यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जो गैलेक्सीज के आसपास के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस पे कब मूव कर रहे हैं, आज यहाँ हैं कल यहाँ होंगे, उस हिसाब से मेजर करेंगे कि किस रेट पे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और यहाँ पे ओल्डेस्ट लाइट को देखे करते हैं माइक्रोवेव वाले में। दिस इज इट। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी अबाउट माइक्रो प्लास्टिक्स। तो ये पार्टिकल्स जो हैं वो लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज़ होते हैं, ओशंस में, सॉइल में, इवन एयर में भी मिलते हैं, पोजिंग अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि इवन जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे अंदर चले जाते हैं थ्रू एयर। एक हाइड्रोजेल बनाई गई है यूनिक पॉलीमर नेटवर्क की। ये माइक्रो प्लास्टिक से बाइंड करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं यूजिंग यूवी लाइट इरेडिएशन, ठीक है। ये याद रखना है कि हाइड्रोजेल एक ऐसे बनाई गई थी यूवी लाइट को यूज़ करके माइक्रो प्लास्टिक को ख़त्म कर सकता है ये। दैट्स इट। देन डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, DESI, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। इसने अपना 5 साल का सर्वे स्टार्ट कर दिया है टू मैप द यूनिवर्स एंड स्टडी डार्क एनर्जी। ये यूनिवर्स को स्टडी करेगा, डार्क एनर्जी को स्टडी करेगा, नाम में ही है डार्क एनर्जी, ठीक है। 2019 में ये इंस्टॉल किया गया था एट किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी इन एरिजोना, US, और इसमें कमिशनिंग हुई, टेस्टिंग हुई 2024 में, सॉरी 2021 में, 2019 में लॉन्च हुआ था, 2021 में जो है कमिशनिंग एंड टेस्टिंग हुई, और अब ये अपने काम पे लग गया है। इसमें क्या है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है, इसमें 5,000 रोबोटिकली कंट्रोल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। इन्होंने आपस में, मतलब इनको इस तरीके से पोजिशनिंग किया हुआ है कि ये लाइट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक गैलेक्सी या क्वेसर, एंड लाइट जो ये कलेक्ट करते हैं उसको फिर स्प्लिट किया जाता है इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ यूजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ्स, एंड देन साइंटिस्ट जो हैं वो मेजर करते हैं कि रेड शिफ्ट फिनोमिना एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। रेड शिफ्ट फिनोमिना जोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, गूगल करके बताएं, जैसे मर्जी बताएं, ठीक है। ये आपको भी यूजफुल रहेगा, ये पूछा जा सकता है रेड शिफ्ट फिनोमिना क्या है, ठीक है। देन इंडिया फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सेटेलाइट TSAT-1A लॉन्च बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया की फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड सेटेलाइट जो है, मतलब मिलिट्री में यूज़ होने वाली जियो स्पेशल सेटेलाइट है ये TSAT-1A, ठीक है। जियो स्पेशल सेटेलाइट जो है कम्युनिकेशन में काम आएगी ये मिलिट्री के, तो प्राइवेट सेक्टर ने लॉन्च की है। TSAT याद रखना है, मिलिट्री सेटेलाइट। अब जूस चैकिंग क्या होता है, एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे हम यूज़ कर लेते हैं ना, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के जो हम पोर्ट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मालवेयर इंस्टॉल किया होता है, एंड जैसे ही हम अपना चार्जर वहाँ पर प्लग इन करते हैं तो वहाँ से हमारे फ़ोन की डेटा जो है वो चुरा लिया जाता है, ठीक है, तो जूस चैकिंग उसको बोलते हैं। देन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप्ड इन रोमानिया अंडर यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो यूरोपियन यूनियन का एक प्रोजेक्ट है ELI, एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसी के अंडर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर डेवलप कर लिया गया है रोमानिया में। नेक्स्ट इज इसरो के बारे में है ये। इसरो ने इसरो का एक प्रोजेक्ट था जो एक्सपोसैट मिशन, हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट मिशन जो था उसी के अंडर सक्सेसफुल री एंट्री हुई है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की, दैट इज POM-3 की, इनटू द अर्थ एटमोसफेयर लिविंग नो डेब्रिस इन ऑर्बिट। ये याद रखना है, POM-3 जो है इसरो का ही है। उसमें क्या था, सक्सेसफुल री एंट्री हुई है इस POM-3 की PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल की, जो कि एक्सपोसैट मिशन में लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, मतलब उसी का पार्ट था ये, और इतने कोई भी डेब्रिस जो है पीछे नहीं छोड़ा। तो ये एक तरह का इसरो की कमिटमेंट दिखाता है टू रिस्पॉन्सिबल स्पेस ऑपरेशंस एंड डेब्रिस मिटिगेशन। नेक्स्ट ग्रॉक क्या है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। ग्रॉक क्या है, ये जनरेटिव AI चैट बॉक्स है, जैसे ChatGPT है, तो वैसे ही ग्रॉक एक है ये AI चैट बॉक्स, xAI ने लॉन्च किया है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है एक। अब न्यूट्रिनोज के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। न्यूट्रिनो क्या है, इट इज़ अ टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटम। एटम का पार्ट नहीं होता है, एक टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। दे हैव वेरी टाइनी मास, कोई चार्ज नहीं होता इसका, इट स्पिन्स हाफ
जैसे इस तरीके के, इस तरीके के कुछ फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, स्पिन इस तरीके की होती है, तो ये हाफ स्पिन वाला होता है, ठीक है। इट इंटरेक्ट्स वेरी वीकली विद अदर मैटर पार्टिकल्स, इतने वीक होते हैं कि हमारी बॉडी से हर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज जो हैं वो हम पे गिरते हैं, हमारी बॉडीज़ के थ्रू अननोटिस्ड पास कर जाते हैं, ठीक है। सो इतने लाइट वेट होते हैं ये, इतना टाइनी मास होता है इनका। देन लाइट, इनका सोर्स क्या होता है? तो न्यूट्रिनोज कम फ्रॉम सोलर न्यूट्रिनोज होते हैं, ठीक है, सन से आते हैं, अदर स्टार से आते हैं, कॉस्मिक रेज से, एंड लैब में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। दे कम इन थ्री टाइप्स, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, टाओ न्यूट्रिनो एंड मुओन न्यूट्रिनो। सो इलेक्ट्रॉन, टाओ एंड मुओन, दे कैन चेंज फ्रॉम वन फ्लेवर टू अनदर एज दे ट्रैवल। तो ट्रैवल करते करते क्या पता इलेक्ट्रॉन से टाओ बन जाए या फिर मुओन मुओन बन जाए, ये इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, ठीक है। एक अनयूजुअल क्वांटम फिनोमिना होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटम, वेरी टाइनी मास, नो चार्ज, हाफ स्पिन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन इंडिया के कुछ न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, तो लोकेशंस पूछ सकते हैं। एक धोलेरा में हुआ था, धोलेरा में जो है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने का काम होगा। मोरीगांव एंड सनंद गुजरात में, मोरीगांव इज इन असम, सनंद इन इज गुजरात। सो यहाँ पे सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट होगा, ठीक है, ख़त्म ये चीज़। नेक्स्ट, इन्फ्लेक्शन 2.5, ये क्या है? ये एक न्यू पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। तो बस एक लैंग्वेज मॉडल है ये, इन्फ्लेक्शन 2.5। देन संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का एक इनिशिएटिव है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और मैनेजमेंट को रेवोल्यूशनाइज करेगा। डिजिटल ट्विन्स का क्या मतलब है? मतलब फिजिकल एसेट्स को डिजिटली ये दिखाएगा, ठीक है, उसमें रियल टाइम डेटा, मॉडल प्रोसेस बिहेवियर्स ये सब बताएगा। और गोल क्या है कि भाई जो जितने भी फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिजिटली पूरा दिखा के, रेप्लिकेट करके, उनको रियल टाइम डेटा, उनका रियल टाइम पोटेंशियल एफिशिएंसी, वो सब हम पता लगा सकें। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का ये इनिशिएटिव है। देन इंडिया का फर्स्ट AI यूनिकॉर्न है, AI के फील्ड में फर्स्ट यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? कोई भी स्टार्टअप जिसका $1 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर होता है, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट AI यूनिकॉर्न जो है कृत्रिम, इन्होंने एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट, गिनी वॉर्म डिजीज के बारे में जान लेते हैं। ये नियर इराडिकेशन पहुंच गई है। दिस डिजीज इज अ क्रिपलिंग एंड पेनफुल इन्फेक्शन कॉज बाय अ लॉन्ग थ्रेड लाइक, एक सेकेंड, हाँ, तो लॉन्ग थ्रेड लाइक गिनी वॉर्म्स होती है, ठीक है। सो ये जैसे आप देख सकते हो थ्रेड लाइक गिनी वॉर्म्स हैं, उससे ये कॉज होती है, दैट इमर्ज स्लोली फ्रॉम ह्यूमन स्किन ब्लिस्टर्स। ये देखो ब्लिस्टर है, यहाँ से ये वॉर्म निकल रही है। सो आफ्टर इंक्यूबेटिंग फॉर अबाउट अ ईयर, ये वॉर्म जो है वो वहाँ से इमर्ज होती है, एंड फॉर अबाउट अ ईयर सिंस द कैरियर हैज़ इंजेस्टेड पैरासाइट। हाँ, तो ये मतलब कैसे हुआ होता है उनको, जो भी ह्यूमन है उन्होंने पैरासाइट एग्स इंजेस्ट कर लिए होते हैं कंटामिनेटेड वाटर से, सो उसकी वजह से ये चीज़ होती है, एंड सफरर्स फाइंड इट हार्ड टू फंक्शन फॉर मंथ्स। बस इसमें इतना याद रखना था। अब देखो अफेयर क्लाउड्स की कुछ PDF में से भी मैंने उनका सारा करंट अफेयर्स, तो 3 ये अपना क्या बोलते हैं, जनवरी टू अक्टूबर जो है जितना भी करंट अफेयर्स उनका था सारा मैंने यहाँ पे वो भी कवर किया है। सो यहाँ पे अभी कौन कौन से सोर्स कवर हो रहे हैं? आपका GK Today का हर एक आर्टिकल मैंने छान छान के आपको यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। देन आपका अफेयर्स क्लाउड का हर आर्टिकल मैंने कवर कर दिया यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट था, एंड विजन का जो है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 3 सोर्सेज से आपका करंट अफेयर्स कवर हो रहा है, इसके बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके, साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है, इंडिजीनियसली डेवलप किया है ये, ठीक है। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप किया है DRDO के TDF स्कीम के अंडर। TDF स्कीम क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। सो उसके अंडर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, DRDO का है, ठीक है। और बस इतना ही है। और ये PSLV C58 मिशन जो है उसने लॉन्च किया था, मतलब PSLV C58 से ये लॉन्च किया गया है, दैट्स इट। देन गूगल का एक ल्यूमियर AI करके इन्होंने लॉन्च किया है टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोज़, ठीक है। तो ल्यूमियर जो है ये गूगल का है वीडियो जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट, ओडिसिस, ये क्या है? ये देखो ये इंट्यूटिव मिशन, वन सेकेंड, हाँ, इंट्यूटिव मिशन का एक ओडिसिस स्पेस क्राफ्ट है ये, ठीक है। एक प्राइवेट लूनर लैंडर है ये, ठीक है, प्राइवेट लूनर लैंडर है ये, मतलब मून पे जाएगा ये लैंडर। ओडिसिस स्पेस क्राफ्ट इंट्यूटिव मिशन के अंडर ये आता है, ठीक है।
और ये स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। और इस इज़ वे इट इज़ द सेकेंड प्राइवेट अटैम्प्ट आफ्टर पेरिजरेन लैंडर्स फेलोर। सो पेरिजरेन जो है ये फर्स्ट प्राइवेट अटैम्प्ट था, ठीक है, मून पे जाने का, लैंड करने का। देखो ऐसे तो स्पेस एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो तो ट्राई करती रहती है मून पे जाने का, ठीक है, वो तो जाते रहते हैं। ये फर्स्ट प्राइवेट अटैम्प्ट था पेरिजरेन लैंडर को जहाँ पे मून पे भेजने की कोशिश की थी, वो फेल हो गया। फिर हमने सेकेंड अटैम्प्ट किया प्राइवेट जो कंपनी थे उन्होंने, तो ओडिसिस मिशन जो है वो सेकेंड प्राइवेट अटैम्प्ट था, बस इतना याद रखना है। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है, लूनर लैंडर था ये ओडिसिस, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। और ये है किसका प्रोजेक्ट जो है ओडिसिस, ये सब किसका है, किसका लूनर लैंडर है, ऑफ द हाउस्टन दैट इज टेक्सस बेस्ड इंट्यूटिव मशीन्स की, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इसको लॉन्च कर रही है। देन नेक्स्ट स्काई रूट एरोस्पेस जो है हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है, इंडिया का स्टार्टअप है। इन्होंने कल्पना फेलोशिप लॉन्च की है फॉर वुमन इन स्पेस सेक्टर। तो कल्पना फेलोशिप, वुमन इन स्पेस सेक्टर, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक है। देन ईरान का सिमोगढ़ SLV याद रखना है, ठीक है। सिमोगढ़ क्या है, एक लिक्विड फ्यूल जो है ये सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सिमोगढ़ याद रखना है, किसका है, ईरान का है। इससे पहले हमने सोरैया, सोरैया जो है ये भी हमने पढ़ा था, सोरैया सैटेलाइट ईरान का। जापान का स्लिम मिशन है, स्लिम क्या है ये, स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, लूनर सरफेस पे ये लैंड कर चुका है। सो जाक्सा का स्लिम है, स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। ये फिफ्थ नेशन बन गया अब जापान टू लैंड ऑन मून। कैमरून जो है फर्स्ट कंट्री बन गई है टू रोल आउट मलेरिया वैक्सीन इन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट नासा का एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जिसको X-59 क्वाइट सुपरसोनिक जेट कहा गया है, और इसको सन ऑफ कॉनकॉर्ड भी कहा गया है, ठीक है। तो सन ऑफ कॉनकॉर्ड अगर पूछा जाए न्यूज़ में था क्या है, तो ये नासा का था, एक सुपरसोनिक जेट था ये, क्वाइट सुपरसोनिक जेट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो यहाँ पे आपका अफेयर्स क्लाउड ख़त्म हुआ, ठीक है, जनवरी टू सितंबर। देन हमारा जो जीके टुडे से जो जनवरी टू जून का मई तक का करंट अफेयर्स पेंडिंग था, वो भी हमने कवर कर लिया।